हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अहमद अली सैयद शराजी, चैनल 7 शराजी से। आज फैमिली के अंदर एक फोदगी के ऊपर जाने का इत्तेफाक क्या आपको जाना ही पड़ता है, ऑब्वियसली बीइंग अ फैमिली मेंबर। एंड इत्तेफाक से मुराद के चूंकि मौजूद थे, समटाइम्स आप नहीं आ पाते हैं पर आप मौजूद थे, तो आप गए। एंड जनाजा जो था, उसके नमाज जनाजा, उसमें भी शिरकत हासिल हुई और सवाब हासिल करने की तोफीक हो गई। एंड तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि लाइफ ने एंड होना है। रिलीजन में, हमारे रिलीजन में, इस्लाम में, कुल नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, लाइक इट ऑल हैज़ टू एंड। तमाम जो हमारे नफ्स हैं, जो जो जिंदा लोग हैं, उन सब ने एक दिन ज़िंदगी का ये जो साथ है, जो दामन है, इसको छोड़ना है और ज़िंदगी ने ख़त्म होना है। ज़िंदगी ने ख़त्म होना है, ज़िंदगी के इस फूल ने मुरझाना है। तो हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। डेथ कोई एंड नहीं है, डेथ ट्रांसफेरेंस है। ट्रांसफेरेंस उन तमाम अमाल की जो इस दुनिया के अंदर हम करते हैं, ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो जो तमाम हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, अगर सच्चाई का इस्तेमाल करते हैं, दयानतदारी का इस्तेमाल करते हैं, किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचाते और हम अपनी इस्लामिक राइट्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, दूसरे को भी वो राइट्स देते हैं, तो फिर हमारे गुड पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है जी। पर अगर हम झूठ बोलते हैं, लोगों का हम हक मारते हैं, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम उनके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरह का, तो फिर जो है उसका हमारे बैड पॉइंट्स बनते हैं। गुड पॉइंट्स के लिए हमारे पास है, राइट साइड पे हमारे राइट शोल्डर के ऊपर एंजल है अकॉर्डिंग टू हमारी तालीमात के मुताबिक, एंड लेफ्ट के ऊपर जो है, जो हमारे बैड पॉइंट्स है, वो लिखने के लिए एंजल है। अभी गुड पॉइंट्स वाला एंजल जो है वो अपना गुड पॉइंट्स लिख रहा है, राइट डाउन कर रहा है, लेफ्ट वाला जो है वो अपना राइट डाउन कर रहा है। एट द डे ऑफ जजमेंट, द जजमेंट डे, जिसको हम कहते हैं रोज़े कयामत, जो जजमेंट डे है उसके ऊपर इस बात का फैसला होगा, जजमेंट डे के ऊपर। एंड जो हमारे गुड पॉइंट्स हैं और बैड पॉइंट्स, उनको वे किया जाएगा। राइट बैलेंस जो होगा, जो बैलेंस है, जजमेंट डे का बैलेंस है, उस बैलेंस के राइट साइड के अंदर, उसके राइट तराजू के राइट साइड के अंदर हमारे ये गुड वाले पॉइंट्स के पेपर्स, या जो भी उसका मीडियम है, से पेपर वो रखा जाएगा। लेफ्ट वाले जो तराजू का लेफ्ट साइड है, बैलेंस का लेफ्ट साइड है, उसके अंदर हमारे जो बैड पॉइंट्स वाले पेपर्स हैं वो रखे जाएंगे, उसको वेट किया जाएगा। जो हमारे गुड पॉइंट्स वाला जो है, अगर बैलेंस जो है राइट साइड वाला, अगर वो ज़्यादा वेटेज में है, तो यू हैव डन योर जॉब। आपने जो ज़िंदगी मिली, आपको जो तालीमात मिली, जो किताब मिली, जो नबी मिले, उनकी तालीमात के मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारी थी, तो आपका वो सफ़र आपका कामयाब हुआ। और अगर आपके लेफ्ट साइड वाला जो बैलेंस है वो ज़्यादा ज़्यादा वेटेज में है आपके राइट साइड से, तो आपका जो सफ़र है, जो आपकी तालीमात हैं, आपने उसका जस्टिस नहीं किया, आप अपनी ज़िंदगी के साथ जस्टिस नहीं कर सके हैं, और आप यू लॉस्ट दिस पर्टिकुलर गेम। ये ज़िंदगी मजाक नहीं है, ये जैसे रियलिटी शोज़ होते हैं वैसे एक रियलिटी शो की तरह है। ये लेंजेज हैं, ये कैमराज हैं बिग बॉस की, ये मेमोरी सेंटर है, ये पीछे मेमोरी सेंटर है, ये हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, हर चीज़ जो है उसका 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 एक मकसद है और उसका जवाब हमें देना है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मौत हमारा इंतज़ार कर रही है, कभी भी उसका हमारा सामना आमना हो सकता है, आमना सामना हो सकता है, हमारे से मुलाकात हो सकती है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। डेथ इज़ अ रियलिटी एंड डेथ इज़ गोइंग टू हिट अस वन वे और दी अदर, इफ़ यू लाइक इट और नॉट। तो इसके लिए तैयार रहिए, और इट इज़ अ रियलिटी। हम इट्स नेचुरली, वी आर मॉर्टल बींग्स, सो वन वे और दी अदर ये होना ही होना है। सो हाँ, दस मगर सेवन श्राजी, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, एंड प्लीज़ इफ़ यू कैन सब्सक्राइब, इट वुड बी थोरली अप्रिशिएटेड। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।